देखो आज हम आपको एक नई चीज़ दिखा रहे हैं, ये है बेसिकली फुट मसाजर। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी तस्वीर भी थोड़ी सी लगी हुई है। ये बेसिकली टांगों के लिए है, फुट मसाजर के नाम से है। मॉडल इसका है F01। अब मैं इसको आपको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या है और कैसी चीज़ है। किसी भी नई चीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है, इसकी बुकलेट। बेसिकली ये बहुत अहम चीज़ होती है क्योंकि हर चीज़ हम लोग बाज़ा वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ये वीडियो बुकलेट जो है ये आपको बहुत अच्छा गाइड भी कर देती है। जो थोड़ा बहुत हम गाइड कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ। इसके साथ एडिशनल ये चीज़ है कि इसका एक रिमोट साथ होता है। रिमोट से ये बटन भी हैं ऑप्शन, और रिमोट से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बटन में आपको इसको सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसके सारे ऑप्शंस हैं। बेसिकली ये इसका पावर ऑप्शन है, देन ये ऑटो ऑप्शन है। इसमें चार किस्म के प्रोग्राम होते हैं, P1, P2, P3, P4। इसी तरह ये कस्टम में भी है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चला सकते हैं। तो ये बेसिकली सब चीज़ें जो हैं, ये इसकी स्पीड है, ये डेंसिटी है, कितना आपने इसको प्लस माइनस करना है, ये सब वो चीज़ें हैं। ये प्रोडक्ट हमारे पास दो कलर में अवेलेबल है, एक तो ये ब्लैक जो आपके सामने शो हो रहा है, इसके साथ में एक मैरून कलर भी आता है। दोनों वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, कभी ब्लैक आ जाता है, कभी मैरून आ जाता है। अब मैं इसको बेसिकली आपको चला के दिखाता हूँ ये चीज़ क्या है। सिंपल सा आपने इसको वापस में प्लग इन करना है, ये ऑन हो गया है। अब ये जब भी ऑन होगा तो एक दफ़ा ये अपने आप को रीसेट करता है, इसमें फिक्र करने के बाद ये ऑटो ऑन नहीं है। ऑन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। अब इसको मैं आपको पहले बगैर इसको सिंपल आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसका जो फंक्शन है ये आपको वीडियो में क्लियर होगा, ये बेसिकली नीडिंग है, वाइब्रेटर नहीं है। सिंपल जैसे ये मैंने अपने हाथ रखे, ये मेरे हाथों को दबा रहा है, ठीक है जी। ये जैसे मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपके सामने ये नज़र आ रही है, दूसरी ऑप्शन आपको शायद नज़र ना आए वो इसके बिल्कुल फुटरेस पे, जब आप पाँव दबाएंगे तो इसके बिल्कुल नीचे रोलर्स होते हैं, वो रोलर्स चलते हैं। अब ये जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर के लिए इसने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद इसने फिर ऑन किया। ये इसका बेसिकली एक प्रोग्राम सेट होता है जिसकी वजह से ये इसका तरीका है। दूसरी अहम चीज़, मैंने इसको अभी ऑफ़ कर दिया फिलहाल। दूसरी अहम चीज़ ये जो कपड़ा है, सबसे ज़्यादा गंदा होने के लिए यही चीज़ होती है, क्योंकि जब आप लोग पाँव यूज़ करते हैं या कोई और लोग भी मेहमान भी आ जाते हैं घर में या कोई और मल्टीपल, तो कपड़े को धोने के लिए बड़ा आसान सा तरीका, ये ज़िप लगी है, आपने ये ज़िप को खोल देना है तो पूरा कपड़ा उतर जाएगा। आप इसको धो के दोबारा इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब आपको इसको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ। सिंपल इसका आसान सा तरीका ये है, इस मशीन का ये फ़ायदा कि आप जैसे सोफे पर बैठ जाएँ, किसी चेयर पर बैठ जाएँ, इसको ज़मीन पर रखें तो इसको आप बिल्कुल इजीली अपने मोड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था, इसका रिमोट साथ है। रिमोट जब भी आपके पास आएगा तो इसके अंदर ये कोई प्लास्टिक का एक पेपर लगा होगा, आपने इसको निकाल लेना है तो ये फिर आपका रिमोट एक्टिव हो जाएगा। ये बेसिकली पेपर लगाने का मकसद ये होता है, इसके अंदर जो सेल डला हुआ है वो डिस्चार्ज ना होता रहे, ये इसका मकसद होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सिंपल पाँव आपने ऐसे रख देने हैं, ये इसका पावर का बटन है, मैंने पावर दबाया, ये ऑन हो गया। ये इसको मैंने अब कस्टम पे कर दिया है, इसके भी कस्टम के भी मुख्तलिफ मोड हैं, तीन मोड होते हैं, ये तीसरा मोड है। इस तरह फिर एक वापस आ गए, इसको अगर मैं दोबारा गेन ऑटो पे करता हूँ तो ये ऊपर वाली लाइट्स ऑन हो गई। ऑटो में ये चार प्रोग्राम्स हैं। ये बेसिकली सब प्रोग्राम्स का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा इसका डेंसिटी में फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा सा इसकी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा सा इसके स्टाइल में फ़र्क आ जाएगा।
काम मकसद एक ही है कि ये आपको दोबारा है। अब मैं अभी तो हम लोग सिंपल मैं आपको एक पोजीशन दिखाई है कि आप सोफे पे बैठ के या चेयर पे बैठ के अपने पाँव को दबा सकते हैं। मैं अब इसके आपको लेग्स की ऑप्शन देता हूँ जी। अब ये सिंपल मैंने आपको दिखा दिया कि अब सपोज अगर हम लोग लेग की ऑप्शन को अवेल करना चाहें तो इसी तरह लेग की ऑप्शन को अवेल करें या पावर ऑन किया। मकसद बॉडी के किसी हिस्से को आप दबा सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल है। अपने फ्लोर लेवल पे नीचे फ्लोर पे बैठ जाएं, ये मशीनरी फ्लोर पे है, बेड पे रख लें, सोफ़ा पे रख लें, जैसे मर्जी रख लें, ये आपकी कंफर्टेबिलिटी है। ये भी हमने कर लिया। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ। अब जैसे आर्म्स की ऑप्शन है, अगेन मैंने इसको पावर ऑन किया, आप आर्म्स को अपने रेस्ट करवा सकते हैं, दबवा सकते हैं। इसी तरह आप अपने बाजुओं को भी कर सकते हैं लेट के, थाइस को भी कर सकते हैं। तीन चार पोजीशंस मैंने आपको दिखा दी हैं। ये ऐसी चीज़ है जो आप अपने मोड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ओपन साइड है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए ये मकसद है कि जो भी आपका बॉडी पार्ट जो है जिसको आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं उसको आप दबा सकते हैं। और इसका जो अपना टाइम होता है वो हार्डली 5 मिनट होगा, इससे ज़्यादा ना दबाएँ शुरू शुरू में, मतलब ज़रूरत हो तो करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मशीन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है और आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है हर 10-15 मिनट के बाद। आप सिंपल सा 5-7 मिनट दबाएं, 10 मिनट दबाएं, उसके बाद इसको खुद भी रेस्ट करें और मशीन के लिए भी आप इसको रेस्ट करवा दें। अगर इस वीडियो को आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या हमारे लिए कुछ बताना चाहें तो हमें कमेंट्स में बताएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस पर शेयर भी करें और कमेंट्स पर लाइक भी करें और इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकअल्लाह खैर।